पंडित जी किस चीज का फाउंडेशन रख दिया आपने, मकान उकान बना रहे हो क्या? मकान नहीं, यहाँ देश का झंडा राष्ट्रीय ध्वज लगेगा बड़ा। अच्छा। ये किसान क्रांति गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और बहुत बड़ा यहाँ ध्वज लगने वाला है। यहाँ पर दो आपने फाउंडेशन दो गड्ढे बनाए हैं, दोनों में फ्लैग लगेगा? हाँ, दोनों में फ्लैग लगाएंगे, दोनों में राष्ट्रीय, एक बहुत बड़ा और एक फिर छोटा। पंडित जी आज पूरे भारत में रेल बंद आंदोलन भी है, आप लोगों ने कॉल दिया, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? देखो, हमारा रेल रोको आंदोलन में ये था कि जितने यात्री हमारे रेल में मिलेंगे उनको चाय पानी, छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, केले फल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और एक हम संदेश उन्हें देना चाहते हैं कि देश का किसान आंदोलनरत है और आप पूरे देश के जितने भी लोग हैं वो भी इस हमारे आंदोलन का हिस्सा बने। तो आज हम रेल रोको आंदोलन के तहत उन सभी यात्रियों को अपने आंदोलन का हिस्सा बना रहे हैं। हिस्सा बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं उनके? हाँ, सेवा करेंगे तभी तो हमारा हिस्सा बनेंगे। ये कोई विरोध थोड़ा ही होगा ये? भाई सरकार का विरोध है ये, सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन पंडित जी कुछ लोग टिकैत साहब का पिंडदान भी कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखो, जो टिकैत साहब का पिंडदान कर रहे हैं ना, उनका परमात्मा ने स्वयं ही पिंडदान कर दिया है, ये ध्यान रखना। स्वयं कर दिया? हाँ, उनका खुद ही पिंडदान हो जाएगा। जो टिकैत साहब का पिंडदान कर रहे हैं उनका तो पिंडदान करने वाले भी नहीं पाएंगे, उनका तो परमात्मा ही। पंजाब में पिंडदान ऐसा हुआ है बहुत बढ़िया वाला, जय जवान जय किसान। लेकिन सर पहले कहा गया आपको कि खालिस्तानी आतंकवादी हैं, विदेश से फंडिंग हो रही है, अब कहा जा रहा है जाटों का आंदोलन। भैया मैं कह तो रहा हूँ, पाकिस्तानी फेल, खालिस्तानी फेल, और ये हम पे आतंकवादियों का वो लगाया गया, हमें इस भोले भाले किसान को तरह तरह की साजिशों में फंसा रही है सरकार। हम सरकार से ये कहते हैं साजिशें ना रचे, किसान की बात सुन के इन किसानों की मांगों को पूरा करके और अपनी समझदारी का परिचय दे। अब जाट आंदोलन का नाम दे दिया, ये तरह तरह के हथकंडे अपनाना बंद कर दे। क्यों झूठ पर चलना चाहती है सरकार, क्यों सच से सामना नहीं कर पा रही सरकार? कहाँ झूठ पर, आप कह रही आंदोलन जीवी आप लोग। अब एक बार बताओ, हम तो आंदोलन जीवी हैं, ये पता ना कौन कौन से जीवी हैं, हमें तो इनकी हद तक नहीं पता लगी झूठ जीवी हैं कि कौन से जीवी हैं। हैं, तुम्हारे खाते में आए 15 लाख रुपये भैया, तो ये झूठ जीवी भी हैं। हैं, 2 करोड़ नौकरियाँ तो दे रहे हैं ना, ये देख लो, ये नौकरी झूठ जीवी भी हैं, नौकरी झूठ जीवी, नौकरी झूठ जीवी का नाम था 2 करोड़ तो रोजगार ही है ना। हाँ, तो ये पकौड़ा जीवी भी हो गए, देखो कितने कितने जीवी है ये। ये किसान तो पक्का आंदोलन जीवी है, किसान के DNA में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जितने देश के लिए हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी लड़े, हम उनका खून है। ये हमें अगर कौन कौन से जीवी बताएंगे, ये भैया सब बताते रहे, और ये छल की सरकार है, ये छल रही है, ये छल से काम करना चाहती है। अरे आराम से सत्यता से काम करो इस किसान के साथ, इसको जो है ना प्रॉपर गंडो मत फंसाओ। कभी आंदोलन जाट आंदोलन बता रहे हैं, आप रोज यहाँ आओ डेली और पूछो कितने कितने हर समाज का यहाँ आदमी है। किसान की कोई बिरादरी नहीं है, ना तो जाट है, ना पंडित है, ना गुजर है, ना SC है, ना OBC है, ना ST है, ना ठाकुर है, वो तो किसान है। अब ये बताते रहे बिरादरी, ये बताते रहे आंदोलन, इन्हें बता देंगे जाओ ये गाँव में, अरे ऐसे ही कही हूँ क्योंकि फलाना आंदोलन ढिकना आंदोलन चला रहा है कि तंबू खाली रह गए, उनमें लोग नहीं है, बस तंबू रह गए। देखो ये एक, आप बिल्कुल मेरी बात पर विश्वास रखना, विचारों की मजबूरी है। अगर नहीं दिखाएंगे ना हमारे तंबू खाली, वो उस टाइम आते हैं जिस टाइम हमारा किसान नहाने धोने चला जाता है ना भाई, सुबह को आदमी फ्रेश ने होने भी जाता है किसान, तो वो उस टाइम घुसते हैं टेंट में, देखिए हम कोई नहीं है। अगर उन्होंने हमारे टेंट खाली नहीं दिखाए ना जी न्यूज ने, तो मोदी जी उनका टेंट उखाड़ देंगे एक दिन। हाँ, उनकी मजबूरी है, वो अपना टेंट बचाने के चक्कर में हमारा झूठा टेंट उखड़ा दिखाना चाहते हैं किसानों का। लेकिन सर लोग तो कम हो रहे हैं भैया, एक बात सुनो, हमें अपने खेत भी तो देखने हैं, या देश को पेट न भरना, हमें क्या भूखा मार दें इस देश को? आप बताओ क्या भूखा मार दें इस देश को? भी मर रहे हो ना भैया, यही तो किसान की विशेषता है।
किसान खुद भूखा मरता है और तपती दोपहरी में अपने खेतों में काम करता है, लेकिन देश का पेट भरता है। घाटे में अपने आज क्यों पड़े हैं यहाँ कि भाई हमारा घाटा ना हो, लेकिन हम घाटे में आज तक 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। सरकार कोई भी आई हो, सबने इस किसान को ठगा। पहली जो सरकार थी उसको उतारा कि भाई चलो नई सरकार आएगी कुछ हमारा भला करेगी। नई सरकार को भी घमंड, ये उनके भी काकाताऊ हैं, इनको भी घमंड है। ये पहले तो किसान को बोलते थे हमारे मेन फोकस में किसान रहेगा, अब ये किसान से झूठ बोलते हैं, किसान को बरगला रहे हैं, फंसा रहे हैं। लेकिन सर सरकार का स्टैंड तो क्लियर है कि कानून वापस नहीं लेगी, अब किसान आगे क्या रणनीति बनाएगा? भैया हमारा भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जब तक कानून वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। 3 महीने हो गए और 3 महीने हो जाओ, कितना ही समय लग जाओ, सरकार फुर्सत में है ना, तो हम भी अपने कॉमन न करिया में खेत में और फिर आ जाओ। लेकिन कुछ जो एक्टिविस्ट हैं आंदोलन का जो सपोर्ट कर रहे थे बाहर से, सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है, कैसे देख रहे? देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई ना कि सरकार अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रही। दुनिया भर के प्रोपेगंडा फैला करके, लोगों पे दबाव बना करके, प्रेशर बना करके, भाई हमारी सरकार से एक ही विनती है कि इस देश को शांति से चलाओ। इसमें तरह तरह के, भाई किसान अपनी बात कह रहा है, किसान को नहीं लग रहा कि भाई हमारा फायदा इस कानून से होने वाला। आपने कोई देखा अगर आपके दर्द तो पेट में दवाई आपको सिर के दर्द की दी जा, पेट के दर्द की दवाई लोगे, सिर के दर्द की दवाई, जब हमें पता है कि इस कानून से किसानों का भला होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं MSP था, MSP और MSP रहेगा। प्रधानमंत्री जी हमने ये नहीं कहा कि आपने MSP खत्म कर दिया, लेकिन आप MSP भविष्य में रहेगा या नहीं रहेगा, और उस पर कानून बनाने की हमने आपसे बात कही है कि भाई आप उस पर कानून बनाओ। आपने 1886 रुपये धान का भाव घोषित करा, धान बिक रहा 1200 और 900 में। ये जो पैसा जा रहा है, जो किसान को घाटा हो रहा है, किसके जेब में जा रहा है, इसका इसको रोकने के लिए ये पैसा किसान का ना किसी की दूसरे की जेब में जाए, बेईमानों की जेब में ना जाए, दलालों की घुसखोरों की जेब में ना जाए, इसलिए रोकने के लिए इस पे MSP का कानून बनाना अति आवश्यक है। लेकिन सर जब से कहा जा रहा है कि ये जाट आंदोलन है, तब से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता, चाहे संजीव बालियान हो मंत्री साहब जी या सांसद हो या विधायक हो, सबकी मीटिंग चल रही है, कहा जा रहा है कि बालियान खाप से टिकैत साहब भी आते हैं जी, और बालियान खाप से संजीव बालियान भी आते हैं जी, तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं बातचीत होने की संभावना है। देखो जी बात सुनो, क्या संजीव बालियान जाट वोट से ही मंत्री बन गए या वहाँ और लोग नहीं रहते? ये तो संजीव बालियान को पूछना चाहिए सरकार से कि आप इसको जाट आंदोलन बता क्यों रहे हो। ये तो उनको पूछना चाहिए, क्या सरकार की वोट से संजीव बालियान मंत्री बन गए या सांसद बन गए? ये तो उनको सरकार से पूछना चाहिए कि आप इस तरह की बातें क्यों फैला रहे हैं। कहा जा रहा है मीडिएटर का काम करेंगे संजीव बालियान। भैया मीडिएटर का काम तो कोई भी कर ले, तो किसान है या मीडिएटर का, तो कोई बन जाओ, आप बन जाओ, कोई बन जाओ मीडिएटर। मीडिएटर क्या हो सकता, क्या 40 किसान है, सरकार बुलाए, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक कॉल दूर में, एक कॉल कर लो हमारे किसानों को, किसान नेताओं को। भाई अगर कुछ करना चाहते हो तो 3 महीने से सुध नहीं आ रही, अब मीडिएटर क्या, मीडिएटरों की आवश्यकता क्या है भैया? सीधा सीधा फंडा इन तीनों काले कानून ने वापस लो और MSP पर कानून बनाओ, तो इसमें मीडिएटर की आवश्यकता रह कहां जाती है, मुझे समझा दो। आप किसान कैसे दबाव बनाएंगे सरकार पर, क्या क्या रास्ता आप लोगों के पास? भाई देखो हमारे पास रास्ता बाबा टिकैत ने जो सिखाया, महात्मा गांधी जी का जो मंत्र, अहिंसा का मार्ग है, अपना आराम से अपना धरना चल रहा है, ठीक है। बीच बीच में अपना, अब जैसे हमारा ये प्रोग्राम है कि हम देश की जनता को बताना चाहते रेल रोको के माध्यम से कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जा रही। और एक और अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसान अपना आंदोलन तो चला ही रहा है, देश की आम जनता का भी आंदोलन चला रहा है। ये अनाज जो है ना तिजोरियों में बंद होने वाला है, ये ध्यान रखना आप। अभी आपने एक बयान सुना होगा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, और एक वो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो भी कोई से मंत्रालय है, उन पे भी उन्होंने कहा सरकार का कोई होल्ड नहीं है डीजल पेट्रोल के दामों पे। तो जब आज डीजल पेट्रोल के दामों पे सरकार का होल्ड नहीं है, तो अगर कल ये तीनों काले कानून पास हो जाएंगे तो ये ऐसे ही कल कहेंगे कि हमारा कोई होल्ड नहीं है, गेहूं बिकेगा 100 रुपये किलो 150 रुपये किलो। सरकार कहेगी कि हमारा होल्ड नहीं है, तो कंपनियों का होल्ड है। तो हम यही जनता को एक संदेश देना चाह रहा है किसान यहाँ से कि भैया रे जाग जाओ, हम तो तुम्हारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं देश हित में हम 200 का भी खरीदने तैयार है पेट्रोल। भैया जिन्हें 200 का, हम कह रहे हैं सरकार से और उन लोगों से जिन्हें 200 का खरीदना, उनके लिए तो 200 का रहने दो, हमको तो यार 50 रुपया का कर दो, हम तो 50 का खरीद पाएंगे यार।
पेट्रोल और डीजल है में काम आएगा पैसा नहीं देश की प्रगति। एक बताओ देश की प्रगति क्या करेगी जब यू किसान मर जाएगा आत्महत्या कर करके रोज 35 किसान डेली हर मिनट में आत्महत्या कर रहा है देश का। ये सरकार के आंकड़े हमारे आंकड़े ना ले लो सरकार जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहे हैं रोक नहीं लग रही क्या वजह लोग विरोध भी नहीं कर रहे हैं भैया खूब। अब देखो किसान हम तो किसान ही लग रहे हैं हमें किसान ही विरोध कर रहे हैं हम तो नहीं आ रही ना भैया आ जाएगी आम जनता भी। देखो क्या होता किसी का दर्द चला गया ना देखो किसी का दर्द थोड़ा जल्दी हो गए किसी का बाद में हो। अभी सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी का दर्द है तो किसान का दर्द है। बिजली महंगी पेट्रोल महंगा डीजल महंगा सबसे ज्यादा संख्या भी देश में किसान की है तो पहले तो किसान का ही दर्द होएगा ना भाई आम जनता का तो धीरे धीरे दर्द होएगा। अब जो दर्द सबसे ज्यादा है किसान और मजदूर जो हमारे खेतों में काम करता है उसका दर्द है सबसे ज्यादा।